ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की सालाना रिपोर्ट में भारत 121 देशों की लिस्ट में 107वें पायदान पर खिसक गया है। पिछले साल की तुलना में भारत की स्थिति में 6 पायदान की गिरावट देखी गई है। बात अगर दक्षिण एशियाई देशों की करें तो भारत सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर है। भारत की स्थिति श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी खराब है। एशियाई देशों की बात करें तो श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 और पाकिस्तान 99 स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पर विपक्ष ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री कब बच्चों के बीच कुपोषण, भूख और लाचारगी जैसी असली मुद्दों को संबोधित करेंगे। आप नेता मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, बीजेपी वाले भाषण तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के देते हैं, लेकिन हंगर इंडेक्स में भी हम 107वें नंबर पर हैं। दो वक्त की रोटी उपलब्ध कराने में भी 106 देश नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक हमसे बेहतर हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने सभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को अवैज्ञानिक पद्धति करार दिया है।